दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किसी के भी नंबर को सेव किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं किसी के भी नंबर को आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले तो अपने फोन में डायलर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप डायलर को ओपन कर लोगे, अब दोस्तों आपको नंबर को सेव करना है तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप ये जान पाओगे कि आप नंबर को सेव कैसे कर सकते हैं। तो नंबर सेव करने के लिए आपको डायलर वाले पेज में आ जाना है। अब जैसे ही आप इस पेज में आ जाओगे, अब दोस्तों आपको नंबर को सेव करना है। तो जैसे कि आप ये सेकंड में एक नंबर देख सकते हैं, तो इसको सेव कैसे करेंगे, अब दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसमें चले जाना है। तो जैसे ही आप इसमें आ जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, सरनेम और नंबर यहाँ पर तीनों आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। तो फर्स्ट नेम डालने के बाद आप यहाँ पर सरनेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और सरनेम डालने के बाद अब दोस्तों आपको ऊपर की साइड में सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो नंबर है वो सेव हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो नंबर है सेकेंड में हमने इसको सेव कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी के भी नंबर को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।